ये बेर का पेड़ है जी, हमारा एप्पल बेर बोलते हैं इसको। एक हिसार के किसान सुरजीत सिंह मेरे को पेड़ देकर गए थे लगभग 4 वर्ष पहले, तो ये 3 वर्ष से बेर दे रहा है। और क्वांटलों के हिसाब से लगता है उल्लू आते हैं रात को आसपास के 4-4, 5-5 एकड़ में सभी पेड़ों के नीचे पड़े ही मिलते हैं। बहुत बेर लगता है इस पर, बहुत अच्छा मीठा बेर है। अभी 1 महीना 1.5 और लगेगा इसको पकड़ने में। ये छोटे के छोटे का वजन तो मैं इसमें क्या कहूँगा, मैंने तोला है इसको पिछले वर्ष 100 ग्राम तक का बेर हो जाता है। किसी में गुठली है, किसी में गुठली नहीं है। और अब की बार तो कमाल हो गया, अगस्त में भी बेर लगे, जबकि कभी कहीं हमने देखा नहीं था। काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई, किसानों ने भी फोटो उतारी, अगस्त में भी गुच्छे के हिसाब से अब की बार इस पेड़ पे बेर आए थे। एक ही पेड़ अपनी जरूरत के लिए, अपने खाने के लिए एक ही रखते हैं हम, क्योंकि ये खेत मैंने इसमें आमदनी नहीं ढूंढी है। आमदनी ढूंढता तो मैं इसमें फिर चुनिंदा पेड़ लगाता, परंतु मैंने इसमें हर फ्रूट का पौधा इसलिए लिया है कि प्रकृति के नियम के अनुसार बिना छेड़ करे कोई खाद या कोई दवाई कुछ भी नहीं। शुरू में पेड़ हो चुका है जी ये, मतलब 4th साल है इसको। 4 साल में, और इसमें कितना दे देगा ये बेर इससे? नहीं, ये तोड़ना नहीं कभी। फिर भी आइडिया आपको? नहीं, तोड़ना ही नहीं कभी। तो इसमें मतलब जो है ना, क्वांटलों के हिसाब से लग रहा है, क्वांटलों के हिसाब से निकलेगा जी। अभी छोटा पौधा है ना, तो मैं जो बात कर रहा था, ये जो खेत है ये जंगल है किस्म का। इसमें अपने परिवार की जरूरत के लिए, जैसे मैंने कहा ना, सभी तरह के पौधे लगाए हैं, परंतु इसमें 7वां वर्ष लग गया। अब इसमें जीव अमृत वगैरह भी सब बंद हो गया, ये खेत प्रकृति का आ गया बिल्कुल, तो सब प्रकृति का टोटली है। बाकी हम जैविक खेती करते हैं, उधर जीव अमृत का प्रयोग करते हैं, वेस्ट डीकम्पोजर का करते हैं। इसमें 7वें वर्ष से सब बंद, सब कुछ बंद। ये खेत अपनी जरूरत खुद पूरी करता है जी।